हम और तुम? हम तो अपनी आंखें बंद रखेंगे। और तुम कुछ दिखाओगी तो भी नहीं देखेंगे। हमने अपनी आंखें बंद कर ली। अब जल्द से गुरु के साथ शुरू हो जाओ। हाँ गजब हो गया, आप जल्दी चलिए नहीं तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, समंदर में बाढ़ आ जाएगी और मछलियाँ पेड़ के ऊपर चढ़ बैठेगी। अरे क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं सर, मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ सर। वो अधिकारी है ना, वो सुधा के पीछे पीछे बाथरूम में घुस गया। आप जल्दी जाइए सर, वरना राम तेरी गंगा मैली हो गई। नहीं बंद कर दो। अब बता विजय, सिटी कॉलेज कब ज्वाइन किया? बस थोड़े ही दिन पहले। इसका मतलब यह हुआ कि तूने लंका में कदम तो रख दिया लेकिन अभी तक पता नहीं कि रावण कौन है। कॉलेज तो विद्या का मंदिर कहलाता है, तू इसे लंका क्यों कह रहा है? इसलिए कि यह कॉलेज नहीं मुजरिमों का अड्डा है, ड्रग्स गुंडागर्दी क्या कुछ नहीं होता यहाँ पर। और यह सब जानते हुए भी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। क्या करूं? जिस लंका का राक्षस आप अभी पकड़ कर लाए हैं, ऐसी पिटाई कीजिए कि उसकी औलाद तक जुर्म की बात सोचने से भी कांपे। ये इतना आसान नहीं है विजय सक्सेना साहब। ये अधिकारी ताश की गड्डी का एक मामूली सा पत्ता है। इसके गुलाम बेगम बादशाह कितने रसूख वाले, कितने ताकतवर हैं, ये आप नहीं जानते। वारे हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स मुजरिमों को सजा देने के बजाय उनकी ताकत, उनके रसूख का कितनी इज्जत के साथ बयान कर रही है। इसका मतलब आपका कॉलेज में आना, अधिकारी को गिरफ्तार करना, ये सब एक ढोंग था, नाटक था। नहीं विजय, बिल्कुल नहीं। लेकिन अधिकारी को अगर मैंने नहीं छोड़ा तो ऐसा नाटक शुरू होगा कि तुम अपने आप को बचा नहीं सकोगे। ऐसे शातिर बदमाश हैं कि कब दिन को रात में बदलते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। वो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की गई है वो जब अदालत में खड़ी होकर बयान देगी ना, वो साला 7 साल के लिए अंदर जरूर जाएगा। वो बयान देगी तब ना? सुधा बयान जरूर देगी। तुम्हें इतना भरोसा है अपनी सुधा पर? बिल्कुल। बात इतनी बढ़ गई है हाँ? अब समझा कि मेरा सीधा साधा दोस्त एकदम से तारा सिंह कैसे बन गया। अरे वो बात नहीं है जो तू समझ रहा है, वो स्वीटी की सहेली है। बाबू, आपने कॉलेज में ताला लगवा कर अपने दोस्तों को तो लॉकअप से छुड़वा लिया, लेकिन आज अगर उस लड़की ने अपना बयान दोहरा दिया तो आपके दोस्त 7 साल के लिए अंदर जाएंगे ही, साथ में आपकी इज्जत भी बीच बाजार में नीलाम हो जाएगी। खैराती, मैं तेरी तरह खैरात में नहीं पैदा हुआ हूं। काली नाम है मेरा, काली। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे बाप ने इतने धमाके किए थे कि पूरा शहर पैरा हो गया था। आज वैसा ही धमाका काली करेगा। विजय सक्सेना, विजय सक्सेना, विजय सक्सेना। मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस तूफान को कैसे रोका जाए। बात बढ़ती जा रही है। एक बहुत आसान तरीका है, बढ़ती बात घट जाएगी। ही इज ऑल्सो राइट। वो कैसे? मिस्टर सक्सेना मिस्टर अधिकारी से माफी मांग ले और कह दे कि वो अपने किए पे शर्मिंदा है। किस बात की माफी मांगू? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है सक्सेना साहब, पूरा कॉलेज ये जान चुका है कि आपने अकेले में मौका पाकर सुधा वर्मा का हाथ पकड़ा। जब अधिकारी ने वो देख लिया और आपको लगा कि अब आपका मुंह काला हो जाएगा तो आपने अपनी कालिख अधिकारी के मुंह पे पोत दी। Shut up, you dirty son of a bitch! Mr. Saxena! सर, इस आदमी को शर्म आनी चाहिए। ये सरासर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है और साथ ही साथ उस मासूम लड़की को भी बदनाम कर रहा है।
जी हाँ, ये सारी बातें हमें उस मासूम लड़की ने ही बताई है। आइए प्लीज सर। विजय सक्सेना, विजय सक्सेना, विजय सक्सेना, विजय सक्सेना, विजय सक्सेना, विजय सक्सेना, विजय सक्सेना। शांत हो जाइए, विजय सक्सेना प्लीज शांत हो जाइए। सुधा बेटे यहां आओ, आओ आओ बेटे आओ। क्या ये सच है कि विजय सक्सेना के डर से कल तुमने अपनी जबान नहीं खोली? बोलो सुधा, डरो मत, यहां पे तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो बोलो सुधा, क्या ये सच है कि कल जो तुम्हारे साथ घिनौनी हरकत की गई वो अधिकारी ने नहीं बल्कि मिस्टर विजय सक्सेना ने की? ये सच है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग इसका नहीं, आपका खराब हो गया है, वरना इसी गंदी हरकत आप कभी नहीं करते। सर सर, ये झूठ है, एक साजिश है मेरे खिलाफ। सुधा को जरूर क्या दुश्मनी है सुधा की आपसे? कोई वजह तो होनी चाहिए, जवाब दीजिए। सर सर, मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये... आप जाने या न जाने, लेकिन आपकी भलाई इसी में है कि आप अपने किए पे शर्मिंदा होइए और मिस सुधा और अधिकारी से माफी मांगिए। नहीं तो सर, हम लोग स्ट्राइक कर देंगे, इस कॉलेज को आग लगा देंगे। आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर उसको ना की माफी मांग रहा हूं जो मैंने नहीं किया है। आई हेट यू सुधा, आई हेट यू। मैं इसी काबिल हूं कि तुम मुझसे नफरत करो। तुम अब यहां किस लिए आई हो? मैं बताती हूं, सुधा तुम्हारी दोषी नहीं है। आप दीदी ने मेरी इज्जत बचाने के लिए आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मैं मजबूर थी दीदी, मुझसे अपनी इस बहन का दर्द देखा नहीं गया। देखो तुम ही देखो, उन दरिंदों ने अपने नाखून इसके जिस्म में कैसे गाड़ दिए थे। अगर सुधा उनका कहा ना मानती तो वो मेरी बेटी की इज्जत लूट लेते, हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। प्लीज दीदी को माफ कर दीजिए। कौन थे वो लोग? अब मैं ना अपनी बहन की इज्जत खतरे में डाल सकती हूँ और ना ही आपकी जान को। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ सुधा, लेकिन एक बात याद रखना, मैं मजबूर नहीं हूं। ए डमरू। जी साहब। फटाफट दो प्लेट समोसा ला। अभी लाया साहब। स्वीटी क्या हुआ? क्या सोच रही हो, मेरी जगह कोई और आ गया क्या? मजाक छोड़ो विशाल, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं भैया को हमारे बारे में पता चल गया तो। ओफो, तुम्हारे भैया हैं या मुगले आजम? विशाल अभी। और डमरू। जी साहब। ये क्या है? समोसा है साहब। और ये क्या है? कॉकरोच है साहब, कॉकरोच। अबे ओए, वहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, फटका मार। लेकिन ये कॉकरोच है साहब, कॉकरोच। अबे तो क्या हुआ, खाना है तो खाओ नहीं तो फूटो। तुम्हारा मतलब है कि हम ये गंदगी खाएं? चलो स्वीटी। अबे ओए, पहले पैसा रख पैसा। अरे किस बात के पैसे? विशाल पैसे दे दो। नहीं, ये रोज रोज की दादागिरी नहीं चलेगी, आज फैसला हो ही जाए। ऐसा क्यों, दादा बनने की कोशिश कर रहा है हाँ? अरे दादागिरी तो तुम कर रहे हो, सड़ी गली चीजें जबरदस्ती बेचकर अपनी जेब भर रहे हो। ये सड़ी गली नहीं, फर्स्ट क्लास चीज है, अब तू इसे खाएगा भी और इसकी तारीफ भी करेगा। उठा इसे,
और खास आपके सामने। उठा। आज के बाद समोसे में तो क्या, अगर कैंटीन में भी कॉकरोच नजर आ गया ना तो मार मार कर तेरी शक्ल को समोसा बना दूंगा। मानता हूं कि आज तूने कालीचरण के एक आदमी को पूरे कॉलेज के लड़के लड़कियों के सामने भीगी बिल्ली बना दिया, लेकिन विजय ये कहानी यही खत्म नहीं हो गई, अब शुरू हुई है। अर्जुन, मैं बुजदिलों की तरह नहीं जी सकता। अकलमंदों की तरह तो जी सकता है। मतलब? विजय, तू अपने आप को इस लफड़े से दूर रख। मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये कहीं तेरी वर्दी ना उतर जाए, तेरी कुर्सी ना चली जाए। तुझे साथ नहीं देना है तो मत दे, लेकिन अर्जुन मैं उनके सामने अपने घुटने नहीं टेकूंगा। तुझे क्या लगता है मैंने घुटने टेक दिए? हाँ नहीं दोस्त, तूने अभी तक अर्जुन सिंह को पहचाना नहीं है। यह वर्दी हमें कानून की ताकत जरूर देती है, लेकिन कुछ बंदिशों की बेड़ियां भी पैरों में डाल देती है। अरे विजय, हमारा हौसला, हमारी ताकत सबूत की चौखट पर आकर अपना दम तोड़ देती है और मुजरिम जुर्म करके आराम से हमारे सामने घूमता फिरता रहता है, मुंह चढ़ाता है और हम पर हंसता है और हम कुछ नहीं कर पाते। गवाह और सबूत मिल जाए तो फिर देख कैसे बैंड बजाता हूं। अगर उसकी मां भी शक्ल पहचान लेना तो मेरा नाम अर्जुन सिंह नहीं खजूरा सिंह रख देना। ठीक है, फिर मैं चलता हूं मिस्टर खजूरा सिंह। हाँ हाँ जिन्हें इतनी रात गए आप अकेले नहीं जा सकते। क्यों? उसका नाम काली है, कब काल बनकर टूटेगा पता नहीं चलेगा। क्या हुआ बेबी, नाचना क्यों बंद कर दिया? नाचो और नाचो। गुड नाइट अर्जुन। नहीं विजय, हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स नामर्द नहीं है। ये साबित करने का मुझे एक मौका मिला है, ये मौका मुझसे मत छीन। ठीक है, लेकिन सिर्फ 24 घंटे। मिस्टर रिचर्ड्स, ये रहा तुम्हारा माल, ये रहा तुम्हारा मनी, और वो है हथकड़ी। ओह गॉड, पुलिस! काली, तुमने बोला था पुलिस इधर कॉलेज में नहीं आएगा। यह हिंदुस्तानी पुलिस है, तुम अगर अपनी माँ की कोक में भी छुप जाओ तो हिंदुस्तान की पुलिस वहां भी पहुंच जाएगी। अच्छा। उधर जाओ, उस तरफ। ले, आ गया तेरे बाप का फोन। जा उठा, देख मत। उठा। हेलो, नटवर लाल है नाम मेरा, कालीचरण है बेटा मेरा। तो उसे लेकर यहां आ जाओ।
ना आया तो मेरा बाप तेरे जिस्म की सारी हड्डियों के टुकड़े करवा कर तेरे घर के सामने भिगवा देगा। हाँ बिल्कुल सही कहा मेरे बेटे ने, नटवर लाल है नाम मेरा, लोग प्यार से मुझे नौटी कहते हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर अगर तुम मेरे बेटे के साथ मेरी हवेली पर नहीं पहुंचे तो तेरी हड्डियों को बटोरने वाला भी कोई नहीं होगा। बंदो साले को। समझ जा मेरे बाबू। नटवरलाल, नमूना सुन लिया? अभी तो पूरी रात बाकी है, कल सुबह पुलिस स्टेशन आकर अपने बेटे की हड्डियां बटोर लेना। जितना भी रुपया चाहिए मिलेगा, लेकिन आज की रात इंस्पेक्टर अर्जुन की जिंदगी की आखिरी रात होगी। राम नाम सत्य है। अरे बस भी करो भाई अर्जुन, तुमने तो पूरे पुलिस स्टेशन का बोझ अपने कंधों पे उठा लिया, कुछ हमें भी करने का मौका दोगे या नहीं? फड़के साहब, कोई खास बात है क्या? आज आप टाइम पे भी आ गए और काम करने के लिए कुछ ज्यादा ही फड़क रहे हैं आप। बस यही मार खा गया हिंदुस्तान, हमने हमदर्दी का हाथ बढ़ाया और आपको लगा हमने आस्तीन में कुछ छुपा रखा है। देख लीजिए हमारे हाथ बिल्कुल साफ हैं। फड़के साहब, सफाई वही देते हैं जिनके अपने हाथ खून से रंगे होते हैं। मैंने किसी का खून नहीं किया। तो फिर करने वाले हो गए? अरे भाई हम पुलिस वाले हैं, लोगों की जान बचाते हैं, लेते नहीं। बड़ी खुशी हुई है जानकर के आप अभी तक पुलिस वाले ही हैं। गुड नाइट। वेरी गुड नाइट अर्जुन। And very very long night. Ram Nam, Ram Nam, Ram Nam, Ram Nam, Ram Nam, Ram Nam, Ram Nam. Oye, ruko. Arti niche rakho. लाश कहाँ है? वही तो ढूंढ रहे हैं। मतलब? मैं बताता हूं, इंस्पेक्टर साहब जल्दी चलिए। इंस्पेक्टर साहब जल्दी चलूं? बाहर श्रीदेवी आई है क्या? नहीं, खून हो गया है, खून। तो क्या करूं, रो या दुनिया का आठवां अजूबा मानकर स्टार टीवी वालों को बुलाओ आई। अरे चोरी डकैती लूट मार खून खराबा तो रोज होते रहता है। एक पुलिस ऑफिसर को गुंडों ने मार डाला,
और आप इसे मामूली बात समझ रहे हैं? अरे मामूली नहीं तो और क्या है, हैं? हेलो, हाँ मैं अरविंद फड़के, रंजनपाड़ा पुलिस स्टेशन से। जरा इंस्पेक्टर गोखले को बुलाना। देखो ये पुलिस और गुंडों की बैटिंग बॉलिंग तो चलती रहती है, कभी गुंडे मारे जाते तो कभी पुलिस। इसमें इतना हंगामा खड़ा करने की जरूरत नहीं है, जाओ घर जाओ और ऐसे लफड़े में मत फंसो। इसका मतलब आप नहीं चलेंगे? देख नहीं रहे हो मैं बिजी हूँ, और मेरे वहाँ पहुँच जाने से वो मरा हुआ जिंदा हो जाएगा क्या? गोखले फड़के क्या बोलते है? यार वो तड़ी बार वाले का अभी तक माल नहीं मिला। हाँ नहीं यार, मेरी बीवी रोज मेरी जान खाती है, वही इम्पोर्टेड वॉशिंग मशीन के लिए। ओके ए सामंता फॉक्स, ये तुम्हारे घर का नहीं पुलिस स्टेशन का फोन है। और मैं पुलिस कमिश्नर को ही फोन कर रही हूँ। कमिश्नर को फोन करने आई? तुमने खून होते हुए देखा क्या? हाँ। किसका खून हुआ? इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह का, गणेश मंदिर के पास। किसने मारा? कालीचरण नाम के गुंडे ने। कालीचरण? ए जर्सी है क्या? पिंडक में मर्डर सोच लिया और चली आई पुलिस स्टेशन। मिस्टर इंस्पेक्टर, ना तो मैं नशा करती हूँ और ना ही ख्याली बातें कर रही हूँ। मैंने अपने अच्छे होशो हवास में कालीचरण को इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह का खून करते हुए देखा है। जरा इधर आना। हाँ इधर आ। अर्जुन सिंह ने शाम से इसे लॉकअप में बंद कर रखा है, फिर इसने खून कैसे किया? आपका मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ, मगर अर्जुन भैया की लाश तो झूठी नहीं हो सकती ना। चलिए मैं दिखाती हूँ। कहाँ है लाश मैडम? मैं दिखाता हूँ। काली नाम है मेरा, काली। सर इस वक्त आप यहाँ? दुनिया जब सोती है तो हम जागते हैं, इसीलिए दुनिया से थोड़े ऊपर हैं। थोड़े नहीं, थोड़े नहीं, दुनिया से बहुत ऊपर हैं। चलो जी इस तरफ। कैसा लग रहा है मिस्टर विजय सक्सेना? लॉटरी तुम्हें जान से नहीं मारेगा, तुम्हें ऐसी जिंदगी देगा कि लोग तुम पर थूकेंगे। कागज और पेन लाओ, जल्दी लाओ, लिखो जल्दी लिखो। वाह, सरकार कुछ बोले भी नहीं और तुम लिखने लग गए, जब बोले तब लिखो। मैं विजय सक्सेना अपने पूरे होशो हवास में अपने जुर्म का इकबाल करता हूं कि देखो शक्ल से कैसा लगता है लेकिन काम कैसा किया। अरे भैया अब तो दुनिया रहने के काबिल ही नहीं रही, भगवान जल्दी उठा ले तो अच्छा है। चलो पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटिए, पीछे हटिए, चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए, साइड हो जाइए प्लीज। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, मैंने अपनी आंखों से मिस्टर विजय सक्सेना को अपनी बहन के साथ बलात्कार करते हुए देखा है।
ये रहा मिस्टर विजय सक्सेना का इकरारनामा। सबके सामने मरहूम स्वीटी सक्सेना के बलात्कार के जुर्म का इकबाल किया था, लेकिन अदालत हालातों को मद्देनजर रखते हुए इस नतीजे पर पहुंची है कि इकबाल जुर्म इंस्पेक्टर अरविंद फड़के ने मौत के डर की वजह से किया था। तमाम गवाहों के बयान सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विजय सक्सेना ने अपनी बहन का बलात्कार किया है, इसलिए मुल्जिम को मुजरिम करार देते हुए विजय सक्सेना को यह अदालत 7 साल कैद की सजा सुनाती है। इंसानों का मुकद्दर तो आसमान पे बैठा भगवान लिखता है, लेकिन आपने मेरा मुकद्दर लिखा है, वो भी जुर्म की स्याही से। आपने फैसला नहीं सुनाया जज साहब, बल्कि मेरे माथे पे ऐसी एक मोहर लगा दी है कि आप कोई भी बहन अपने भाई पे विश्वास नहीं करेगी। नटवर नाम है मेरा। मेरे बाहर आते ही तू अपना नाम भी भूल जाएगा। क्या डायलॉग मार गया?